नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। फिरोजाबाद के नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा रामलीला चौराहे पर खड़े सीमेंट के पोल को गिराया जा रहा था, तभी बाजार से गुजर रहे सचिन पुत्र दिनेश चंद्र निवासी महावीर नगर के ऊपर पोल गिरने से युवक की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो नगर निगम की लापरवाही के चलते युवक की मौत हुई है। पोल गिरने से पहले निगम के लोगों ने रास्ता साफ नहीं कराया, जिसके चलते डाक खाने की तरफ से अपनी बाइक से आ रहे सचिन नाम के व्यक्ति पर पोल गिरने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद सीओ सिटी संजय वर्मा ने बताया कि जो हादसा हुआ है, परिजनों के द्वारा तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई थी और वो बहुत तो 20 साल पुराना लट्ठा है, इसको गिराने की एक जेसीबी मशीन मंगाई, उससे गिरा रहे थे इसको। और कोई भी उसकी कोई सूचना किसी राहगीर को देने के लिए कोई भी ऐसा आदमी नहीं खड़ा कि रुक जाए, और ना कोई ऐसी बैरिकेडिंग लगाई और लट्ठा गिरा दिया गया, जिससे एक राहगीर व्यक्ति था सचिन गुलगुले, उसकी मृत्यु हो गई है। लट्ठा उसके सिर पर गिरा और उसकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई, और ये घोर लापरवाही है नगर निगम की। मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। मैं तो ये चाहूँगा कि उस परिवार के व्यक्ति की जो भी घटना में क्षति हुई है, उस परिवार के साथ नगर निगम पूरी तरह उसके सहयोग करे, और उस परिवार की जो लड़के की मृत्यु हुई है उसकी पूरी तरह उसके साथ न्याय हो। जो है वो गैस फीवर टावर जो है गिर जाने के कारण एक राहगीर की, जो कि बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंटली उनकी मृत्यु हुई है। बॉडी मोर्चरी पे आई है, उसको भिजवा दिया गया है मोर्चरी पे। पंचायत नाम पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, उसकी जैसा प्रार्थना पत्र आता है हम लोग उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। मौसम है, एक जीएनसी सीवर की गैस निकालने का एक पोल राम लीला चौराहे पे लगा हुआ था, जो जीएनसी में स्थित हुआ था। मौसम के दृष्टि से आज इसको जीएनसी पोल को हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही थी। उसमें चारों तरफ से ट्रैफिक और सबको रोक के उसको पोल को गिराने की कार्रवाई की जा रही थी। उतने में अचानक से ये मृतक श्री सचिन दिनेश शर्मा महावीर नगर वहाँ अचानक से मोटरसाइकिल पर आ गए, और वो पोल प्रयासों के बावजूद इनके ऊपर गिर पड़ा, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इनके ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहाँ पर इनको। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रावतसगंज लोकसभा 80 के प्रत्याशी भाई लाल कौल के समर्थन में रावतसगंज के हाईडील मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि आज रावतसगंज के हाईडील मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के क्रांतिकारी विचारों को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ा। मंच पर कई गणमान्य लोग मंचासीन थे। सोनभद्र से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। गंज बासौदा शहर के आसपास बड़ी संख्या में कॉलोनाइजर द्वारा अवैध तरीके से कॉलोनी बनाई जा रही है। लगातार बिना परमिशन की काटी जा रही कॉलोनी को लेकर प्रशासन मौन है। बताया जाता है कि यह कॉलोनी संचालक किसानों को बेहला पुसला कर उनकी जमीन कम दामों पर खरीद लेते हैं और लाखों की जमीन को करोड़ों में बेच देते हैं। बताया जाता है कि कॉलोनी संचालक कॉलोनी प्लाट लेने वाले लोगों को कई ख्वाब दिखाते हैं, जैसे सीसी रोड, विद्युत व्यवस्था, बच्चों के लिए पार्क, पानी की सुविधा, अन्य तमाम सुविधाओं का लालच लेकर लोहा लेते हैं, और बाद में यही लोग परेशान होकर प्रशासन की चौखट पर आ जाते हैं। वहीं किसान भी लगातार अपनी जमीन कॉलोनी वालों को कम दामों में बेचकर अपनी पुश्तैनी जमीन को ठिकाने लगा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में किसानों के पास जमीन नहीं मिलेगी और हर जगह कॉलोनी कॉलोनी दिखाई देंगी। विदिशा से संवाददाता LN चौबे की रिपोर्ट। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।